हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें सुप्रभात कैसे हैं आप सभी सब अच्छे से मजे में बारह पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं आज हम रुचिरा द्वितीय भाग से पढ़ रहे हैं त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम शुरू करते हैं विश्वस्य से उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध में भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन तमा प्राचीन पुरानी भाषा अस्ति भाषा प्लस अस्ति भाषा है विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है भाषेय अनेका भाषाण जननी मत भाषे भाषा प्लस इं यह भाषा अनेकसा अनेकों में भाषाण भाषाओं में जननी माता मता मानी गई है यह भाषा अनेक भाषाओं में भाषा की माता मानी गई है अर्थात यह सभी भाषाओं की जननी है सभी भाषाओं को जन्म देने वाली है प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान यो निधि अस्याम प्राचीन प्राचीनयो हो प्राचीन ज्ञान विज्ञान नहीं हो। ज्ञान विज्ञान का निधि है खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित सुरक्षित है प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है किसमें संस्कृत भाषा में संस्कृत से महत्व विषय केनापी कथितम संस्कृत संस्कृत के महत्व विषय महत्व के विषय में केनापी केन प्लस अपी किसी के द्वारा भी कथितम कहा है संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा है भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति संस्कृति ह प्लस तथा भारत से भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा में द्वे दो संस्कृत और संस्कृति वैसे ही भारत की प्रतिष्ठा में दो प्रतिष्ठा है अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठा है संस्कृत और संस्कृति इम भाषा अतीव वैज्ञानिकी इम यह अतीव बहुत यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है वैज्ञानिकी भाषा है केचन कुछ कथियंती कहते हैं कुछ कहते हैं यत की संस्कृत में संगणक से सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम प्लस एव संस्कृत ही संगणक से कंप्यूटर की कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा है अस्यः वाग्मयम् वेदे पुराणे ह निति शास्त्रे ह चिकिस्सा शास्त्रा भी चिकिस्सा अस्ति सम्रद्धम् प्लस अस्ति अस्यः इसके वाग्मय साहित्य वेदेह वेद पुराणे हैं पुराणों से नीतिशास्त्रे है नीतिशास्त्रों से चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्धम अस्थि समृद्ध है इसके साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध हैं। नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्य अनुपम कालिदासना कालीदास का विश्व कवि नाम विश्व कवियों में काव्य सौंदर्य काव्य का सौंदर्य अनुपम अनुपम सुंदर कालिदास कवियों में काव्य सौंदर्य अनुपम है अर्थात कालिदास विश्व कवियों में इनके जितने भी काव्य हैं वो बड़े सुंदर हैं अनुपम हैं इनका जो काव्य सौंदर्य है वो बड़ा ही अनुपम है कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्र जगती प्रसिद्धम अस्ति कौटिल्य रचितम कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति संसार अस्ति प्रसिद्दम्� प्रसिद्धम प्लस अस्ति प्रसिद्ध है द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिदन सर्वप्रथम आर्यभ्ट अकोत् गणित शास्त्र में शून्य शून्य प्रतिपादन प्रतिपादन सार्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने अकोत किया गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया शास्त्रे चरक सुश्रत योगदान विश्व प्रसिद्धम चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतो चरक और सुश्रुत का योगदानम योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है संस्कृति यानी अन्यानी शास्त्राणी विद्यन्ते संस्कृते संस्कृत में यानी ये सभी अन्यानी अन्य शास्त्राणी शास्त्र विद्यन्ते हैं विद्यमान हैं संस्कृत में ये सभी अन्य शास्त्र विद्यमान हैं रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि तेसु उनमें उनमें कौन कौन से शास्त्र हैं वास्तु, वास्तु शास्त्र रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञानम खगोल अंतरिक्ष खजाना या अंतरिक्ष की जानकारी ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है आपको समझ में आ रहा है अच्छे से संस्कृति विद्यमान सुक्त अभ्युदाय प्रेरियं संस्कृति संस्कृत में विद्यमान विद्ध्यमान विद्यमान सुक्त सुक्तियाँ अभ्युदाय वृद्धि के लिए प्रेरियंती प्रेरित करती हैं संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ वृद्धि के लिए प्रेरित करती हैं यथा जैसे सत्यमेव जयते ये वाक्य है भारत सरकार का जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है वसुदेव कुटुंबकम पृथ्वी ही परिवार है विद्यामृषुते एन सी आर टी का ध्यवाक्य है ये जिसका अर्थ है ज्ञान से अमरता की प्राप्ति योग कर्मसु कौशलम यह भारतीय औद्योगिक संस्थान का ध्यय वाक्य है जिसका अर्थ है योग कुशलता है कर्म में इत्यादय आदि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार करतुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत अपनी आत्मा के जैसा व्यवहार व्यवहार करुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयती ठीक शिक्षा देती है या अच्छी शिक्षा देती है सभी प्राणियों में आत्मवत अपने आत्मा जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी शिक्षा देती है के जन कथियंती कुछ कहते हैं यत की संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है ऐसा यह धारणा समा समीचीना ठीक नास्ती न प्लस अस्ति नहीं है यह धारणा ठीक नहीं है संस्कृत संस्कृतग्रंथस मानव जीवनाय संति संस्कृत सी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविधा विभिन्न विषया विषय सविष्टा सविष्ट सारी है संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाहित हैं महापुरुषाण मती उत्तम उत्तम जना धृति साम जीवन पद्धति वर्णिता सही महापुरुषाण महापुरुषों की मति है बुद्धि उत्तम जनानाम उत्तम लोगों की धृती है धैर्य सामान्य जनानाम सामान्य लोगों का जीवन पद्धति है जीवन पद्धति च और वर्णिता संति वर्णित है महापुरुषों की बुद्धि उत्तम लोगों का धैर्य सामान्य लोगों के जीवन पद्धति अर्थात जीवन शैली वर्णित हैं किसमें वर्णित हैं ये सभी संस्कृत ग्रंथों में अतः अस्मा भी संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय अतः इसलिए अस्मा भी हम सभी के द्वारा संस्कृत संस्कृत को अवश्यमेव अवश्यम प्लस एव अवश्य ही पठनियम पढ़ना चाहिए इसलिए हम सभी के द्वारा संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए तेन मनुष्य समाज से परिष्कार चरिष्कार भवे तेन उससे मनुष्य से मनुष्य का समाज से समाज का च और परिष्कार सुधार भवेत हो उससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ने चाहिए ताकि संस्कृत पढ़ने से मनुष्य और समाज का सुधार हो सके उक्तच कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्र मित्र अमृत संस्कृत है यानी संस्कृत जो है वो मित्र अमृत है सरसम सरलम वचह वचह वाणी सरलम सरल सरसम रसयुक्त सरस संस्कृत वाणी सरस यानी रसयुक्त और सरल है भाषासु महनियम चूंकि की महनियम आदर्श या आदरणीय भाषासु भाषाओं में चूंकि संस्कृत भाषा भाषाओं में आदरणीय भाषा है ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है संस्कृत भाषा ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद